ये पढ़ा हुआ है आपने? लो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब क्या है? कैन इंडिया अटैक ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट विच डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन? पहली कंडीशन तो यही है कि भाई वेपन आपके ऊपर अटैक हो, लो फर्स्ट यूज का मतलब ये है। तो आइडिया अभी डिबेट क्या हुई दैट वेदर इंडिया शुड रिवाइज इट और नॉट, उस पर क्या है आपके विचार? रिवाइज करना चाहिए नहीं? कांग्रेस के ठीक है ओके। नो फर्स्ट यूज मतलब क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है दैट इफ अ पर्टिकुलर कंट्री बी इंडिया का क्या ऑप्शन है? कन्वेंशनल वॉर है ना, जो नॉर्मल चलती है विदाउट न्यूक्लियर, जो सदी से चलती है। देन पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन है कन्वेंशनल वॉर, क्लियर? तो फ्रॉम कन्वेंशनल वॉर इफ यू गो बाय 1965 और 71, जिसमें पता चल गया 1919 में कि भाई कन्वेंशनल वॉर में मास्टर कौन है? इंडिया। इंडिया इज सुपीरियर देन पाकिस्तान। सो अगर वॉर होती है इट मीन्स दैट इंडिया इज सुपीरियर, तो ये तो खत्म कर देगा पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉर से। तो पाकिस्तान जैसे कि होता पंजाबी में मरदा की नहीं करता है ना, सुना हुआ है ना आपने, हिंदी में मरता क्या नहीं करता होगा और क्या। तो कन्वेंशनल वॉर तो पाकिस्तान हार जाएगा ना। पाकिस्तान के ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर। इट मीन्स दैट पाकिस्तान इस ऑप्शन पे तो जाएगा ही, तो इंडिया क्या करेगा? इट विल अटैक ऑन इंडिया। तो हमारा लो फर्स्ट यूज पॉलिसी में एक रीज़न तो ये है कि हम एक लूप होल दे रहे हैं आउटर कंट्री को कि पहले हमारे ऊपर अटैक करें, उससे जो डिस्ट्रक्शन होगी या तो आपके न्यूक्लियर वेपन की डिस्ट्रक्शन हो सकती है और इट लीड टू हाई डिजास्टर टू अ कम्युनिटी, उसके बाद हम अटैक करें, समझे? सो दिस इज द डेफिशिएंसी। बट रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है विच गिव अस इंटरनेशनल रिस्पेक्ट। देखो इंडिया NSC का नाम सुना? NSC क्या है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। नो इट सप्लाई न्यूक्लियर मटेरियल टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। इसका एक क्या है? NPT है ना, उसको ज्वाइन करो। तो इंडिया को या किसी कंट्री को दे कैन बी अ पार्ट ऑफ NSC। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ NSC बट स्टिल इंडिया इज गेटिंग अ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम NSC। तो भाई इंडिया की तो डिमांड है, पाकिस्तान की भी डिमांड है, लेकिन उनको देते नहीं है। डिमांड तो है, एक तो है इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर आई कहाँ से? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, है ना, नॉट दैट गिव अ रिस्पॉन्सिबल स्टेटस टू इंडिया। सेकेंड इसका क्या है? इंडिया इज अ ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर मार्केट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट वाई US एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज दे वॉन्ट इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ NSC, क्योंकि उनको पता है मार्केट इतनी बढ़िया, हमारा एक्सपोर्ट खूब चलेगा। बट इंडिया इज नॉट मेंबर, सो उन्होंने एक और रास्ता निकाल दिया है, इंडिया इज स्टिल गेटिंग अ न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। सो थर्ड वन इज इंडिया इज ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ मेंबर ऑफ UNSC, परमानेंट मेंबर। तो उस परमानेंट के लिए केस स्ट्रॉन्ग कब होगा? इफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पर,
अगर मान लो इंडिया रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर बात नहीं है, ठीक है, वहाँ पर मेंबर बन गया परमानेंट, तो वीटो के जरिए अगर इंडिया के खिलाफ है अगर वीटो यूज होगी, ऐसा ही होगा, इंडिया विल बी अ मोर पावरफुल, तो रोकेगा कौन भी, है ना। सो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के बेनिफिट तो बहुत है। अब डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये डिसएडवांटेज है, बट ये भी डिसएडवांटेज ये इसीलिए है कि आपने आंसर लिखना है। सी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई किसने, इंडिया ने, किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट तो नहीं है, तो ख़त्म भी तो इंडिया कर सकता है, तो अभी क्यों करनी है, यहाँ पे करो ना, जब आपको पता है न्यूक्लियर फर्स्ट, यहाँ पर ये तो इनका काम हो गया, तो उसके बाद आप कर दो, भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है ही नहीं, हम टैग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो कर सकते हैं इंडिया, तो इंडिया की पॉलिसी है, जैसे वो गोविंदा गाना है, मेरी मर्जी पे चाहे ये करूँगा चाहे वो कर दे, तो यहाँ पर इंडिया की मर्जी है, इसमें कोई एग्रीमेंट तो नहीं। सो रेदर देन नाउ वी कैन एलिमिनेट ऑल दोज प्रोविजन फ्रॉम द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूक्लियर। अभी करोगे तो क्या होगा, रिस्पेक्ट गई। अब ये न्यूक्लियर मटीरियल जो एनएससी दे रहा है वो भी डरेगा कहीं ये बना ही ना दे। नो सेकंड थिंग इज, देखो अगर ये यहाँ पर क्या है इसका कन्वेंशनल वॉर वॉरफेयर के लिए मटीरियल है सारा इंडिया का, हियर इज न्यूक्लियर, ठीक है। नो इंडिया की प्राइमरी जो प्रायोरिटी क्या है, कन्वेंशनल, इट मीन्स सीडीएस आ गया, आर्मी नेवी इनका सारा काम देख लिया, नो द सेकेंडरी इज न्यूक्लियर, है ना। तो वंस इंडिया अबॉलिश दिस एनएफयू, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ पे आ जाएगा, इंडिया की न्यूक्लियर वेपन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्योंकि नो फर्स्ट यूज है ही नहीं, तो अब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इट मीन्स न्यूक्लियर वेपन की ग्रोथ इंक्रीज होगी इंडिया, दैट विल थ्रेटन पाकिस्तान एज वेल एज चाइना, तो वहाँ पर रीजनल इम्बेलेंस हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, हमारी कन्वेंशनल वॉरफेयर जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट है, जो वेपन है, उन पर फोकस डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इट मीन्स न्यूक्लियर पर डिक्रीज हो जाएगा, तो चांसेस है कि इसका फोकस डिक्रीज हो जाएगा, और फ्यूचर में लड़नी तो हमने इससे ही है, पहले वॉर ऐसा तो नहीं पहले न्यूक्लियर चला के देखेंगे, फिर तो वो सेंक्शन लग जाएंगे, क्लियर। सो दीज आर प्रो एंड कॉन्स ऑफ एनएफयू। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एनएफयू की डेफिनेशन, देखो It is a pledge taken by a country to not use nuclear weapon. It is a pledge taken by a country to not use nuclear weapon as means of warfare unless a rival country resort to such an action first. Clear? Now you have to understand the what is a nuclear doctrine. Nuclear doctrine क्या था ये? See, India ने first जो test कब किया था? नाम क्या था उसका? एक टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर, इंडिया ने बोला दिस इज फॉर द पीस। द सेकंड 1998, उसका नाम क्या था? शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, पांच टेस्ट किए थे वन बाय वन। आफ्टर दैट इंडिया डिक्लेयर्ड इट न्यूक्लियर पावर और बिकम अ न्यूक्लियर पावर, फर्स्ट नॉन परमानेंट मेंबर जो बना। इंडिया ने आई थिंक कोई 11th मई को किया था और पाकिस्तान ने 28th मई को किया था, उसी साल, ठीक है। नाउ द थिंग इज आफ्टर दैट 1999 में हमारा एक ड्राफ्ट हुआ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, एक व्यू और बिलीव। डॉक्ट्रिन क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सुना है आपने हिस्ट्री में, वो एक बिलीफ होता है कंट्री का दैट हाउ वी यूज द न्यूक्लियर पावर। सो इन 2003 हमारा क्या रहा? न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन।
इसके अंदर आपको जो मेन चीजें याद रखनी है, द फर्स्ट वन इज नो फर्स्ट यूज, ये तो चलो हो गया। सेकंड इज मैसिव रिटेलिएशन, थर्ड वन इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, नो फर्स्ट यूज हो गया है ना। इसका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2003। नो व्हेन वी टॉक अबाउट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी टू चेंज नो फर्स्ट यूज, इसका मतलब यही है कि कुछ चेंज इन द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना, बिकॉज एनएफयू इज अ पार्ट ऑफ दिस। सेकंड इज मैसिव रिटेलिएशन कि अगर हमारे पास ऊपर कोई अटैक करेगा वी विल रिप्लाई। द थर्ड वन इज व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट दैट इज क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। एक होता क्या क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, मतलब उतने वेपन होने चाहिए अगर दूसरे को, जैसे सपोज करो ए और बी है, इसके पास चार पिस्टल है तो इसके पास भी कितनी होगी, एटलीस्ट फोर है ना डेटरेंस। वो आपने मूवी में आता है ना, वो दिखाता है जब वो किसी कहीं पर जाता है कोई भी गुंडा वगैरह, तो वो सामने से वो पूछते हैं कौन है, तो वो हल्की सी शर्ट ऊपर करते हैं वहाँ पे रिवॉल्वर होते हैं तो वो घबरा जाते हैं साइड पे। अगर साउथ इंडियन है वो यहाँ से निकालते हैं ना, उनके पास तो है ही नहीं रिवॉल्वर, जैसे वो जैसे हार नहीं सारे साउथ इंडिया में चले गए होते हैं। तो दैट इज़ अ डेटरेंस। अगर आपने पिस्टल ली है, लाइसेंस पिस्टल है ना, बोलते हैं ना फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए दैट इज़ अ डेटरेंट, दैट एक्ट एज अ डेटरेंट। अगर कोई टेररिस्ट उसके पास है वो डेटरेंट नहीं है, दैट इज फॉर मैसिव डिस्ट्रक्शन। सो जो सीएमडी है उसका जो हमारा एक प्रिंसिपल है, देखो इट अंडरलाइन नो फर्स्ट यूज विद एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, विद एश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी and falls under minimal deterrence, and falls under minimal deterrence as opposed to minimal deterrence as opposed to mutually assured destruction। देखो इनमें difference जानो, minimal deterrence and mutually assured destruction। इंडिया किसको फॉलो करता है, मिनिमल डेटरेंस कि हमारे पास उतना ही होगा जितना डेटरेंट के लिए जरूरी है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास न्यूक्लियर मटेरियल, सेकंड कंट्री को ये लगता है कि जितना इंडिया के पास है अगर इतना यूज हो जाए तो हमारा कुछ बचेगा नहीं, दैट इज सफिशिएंट फॉर इंडिया है ना, उसको लगता है कि दैट विल लीड टू अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, तो उतना इंडिया रखेगा। इसका मतलब एक और भी है, दैट इंडिया इज नॉट going to for the higher production of nuclear material। ऐसा तो नहीं इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाता ही जाएगा, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी क्या है, मिनिमल डेटरेंस, मिनिमम डेटरेंस कि हमारे पास उतना ही होगा जितना दूसरों को दिखाने के लिए या डराने के लिए कि भाई है, ठीक है। म्यूचुअली अश्योर डिस्ट्रक्शन क्या होता है, दैट बोथ ए एंड बी दे विल इंक्रीज देयर न्यूक्लियर वेपन, जितना जितनी जान है उतना बस बनाते जाएंगे, ठीक है, सो दैट मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कैन बी हैपन अगर कोई हाथ भी लगाएगा। तो इट मीन्स दैट इंडिया की पॉलिसी तो सेफ है, मिनिमम डेटरेंस की है ना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी, दैट मिनिमम डेटरेंस जो हमारी है उसमें प्रॉब्लम क्या है कि दैट देयर विल बी लेस फोकस on nuclear weapon and more focus on conventional warfare, but with the time there is a possibility that nuclear warfare weapon will degrade। अगर आपके पास priority नहीं है तो पड़े पड़े with the time हो सकता है कि उनके पास capability decrease हो जाए, और जब आप second striker वो कहे है ही है ना भाई, उनकी check तो करो एक आधा ठीक है। सो
Now the important question is why India should change and why India should not change. पहले देख लेते हैं why India should change no bus use policy. मैंने बता दिया सारा उसी वजह से कौन है. Number one is Pakistan. Increasing in Pakistan's nuclear warhead. देखो एक estimate है which says that Pakistan have almost a double nuclear warhead as compared to India. ये एक report है but इसका पता नहीं किसी को, मतलब ये एक hypothesis type ही है, hypothetical situation है, इसका कोई proof नहीं है. Even the US which is the largest funded है ना in Pakistan, उसको भी नहीं पता, तो है कहाँ पे ये नहीं पता, but news है कि भाई उनके पास बहुत है. ठीक है, so this is a hypothetical. देखो hypothetical ही है तो ये proof तो नहीं है, but है, बट है तो है, चाहे हाइपोथेटिकली हो बाद में क्या आपका क्या हाल है. सो फर्स्ट इज पाकिस्तान. पाकिस्तान क्या लिखा इसमें आपने, इंक्रीज इन पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर है. अकॉर्डिंग टू अ वन एस्टिमेट पाकिस्तान ऑलमोस्ट हैव अ डबल न्यूक्लियर वेपन एज कंपेयर टू इंडिया. 2010-11 का एक एस्टिमेट है, उसके 10-11 उसके हिसाब से समवेयर अराउंड 110 पाकिस्तान के पास है, 16 इंडिया के पास. देखो ना ही तो इंडिया बताएगा कितने हैं, ना ही पाकिस्तान बताएगा, है ना. उसमें से टेररिस्ट के पास कितने वो अलग बात, पाकिस्तान के पास. द सेकंड थिंग इज चाइना. सेकंड पॉइंट इज चाइना. इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन साउथ एशिया. थर्ड वन इज नॉन अडॉप्शन ऑफ NFU बाय अदर न्यूक्लियर पावर. नॉन अडॉप्शन ऑफ NFU बाय अदर न्यूक्लियर पावर. और मेजोरिटी लिख लो कोई चाइना की तो है. फोर्थ वन इज NFU means टू अब्सॉर्ब द फर्स्ट to absorb the first strike from adversary, है ना. मैंने बताया ना NFU का मतलब क्या है, पहला absorb करोगे आप strike, then अगर suppose करो ऐसा भी है कि हमें threat लग रहा है कि वो use करें तो हम use कर सकते हैं, but अगर वो threat गलत निकला तो फिर तो हम वैसे ही use कर लें. so possibility तो दोनों ways में, अगर हम ये कहें कि ठीक है दूसरा जब तक चलाए ना उससे पहले हम interpret कर लें that he is going to use a nuclear power, है ना, तो हम यूज़ कर ले, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल ना भी हो फिर प्रॉब्लम. क्या लिखा है, फ्रॉम एडवर्सरी. दिस इन्वॉल्व सिटीजन सेक्रीफाइस. विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड. ऐसा तो नहीं है आप सिटीजन तो पहले आपके ऊपर होगा फिर हम बताएंगे, तो कहेंगे हम तो रहेंगे नहीं, है ना, फिर क्या बताओगे आप. द सेकंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टू काउंटर पाकिस्तान इंडिया इज सफिशिएंट टू पनिश पाकिस्तान बाय टू काउंटर पाकिस्तान इंडिया इज सफिशिएंट to punish Pakistan by conventional warfare. But this resulted in Pakistan's introduction of nuclear weapon. नेक्स्ट हेडिंग लिखो व्हाई देयर इज अ नो नीड टू चेंज NFU. एंटी आर्गुमेंट तो देनी पड़ेगी कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, बेनिफिट तो यही है, देयर इज अ नो नीड टू चेंज. हम मानेंगे नहीं हमारी है ना, तो क्या है ये, कौन सी पाकिस्तान या किसी के साथ ट्रीटी बढ़ जाएगा वो
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। नंबर वन इज एनएफयू हैज लिटिल रेलिवेंस एज इट हैज नो बाइंडिंग लेजिटिमेसी। एनएफयू हैज लिटिल रेलिवेंस, लिटिल रेलिवेंस है बिकॉज इट हैज नो बाइंडिंग लेजिटिमेसी। बाइंडिंग तो नहीं है, इंडिया में इंडिया ने बनाई है, इंडिया इसको खत्म करेगा बिहार में। द सेकेंड वन इज नो बाइंडिंग लेजिटिमेसी। सेकेंड इज इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इज यूनिलैटरल, इज यूनिलैटरल एंड इट कैन बी रिवोक्ड, एंड इट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, है ना, जब मर्जी आप उसको रिवोक करो। द थर्ड वन इज चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट, चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट, हाँ जी रिपीट करो, लिख लो, दो पॉइंट है खत्म होकर। चाइनाज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैन नॉट बी डेटर्ड, कैन नॉट बी डेटर्ड और प्रिवेंटेड, कैन नॉट बी डेटर्ड बाई रिवाइजिंग एन एफ यू। सी हम एन एफ यू रिवाइज क्यों करना चाहते, व्हाई वी वांट टू रिवाइज एन एफ यू, टू इंक्रीज द न्यूक्लियर वेपन, हमारा जो आइडिया है ना। सेकेंड थ्रेड इंडिया इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर, जो नॉट अ सॉफ्ट पावर। नो सी व्हेन इंडिया इंक्रीज न्यूक्लियर वेपन, नो इन केस ऑफ पाकिस्तान ठीक है, बट इन केस ऑफ चाइना, चाइना हैव सो मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर हम चाइना के ये सोचे कि हम चाइना को थ्रेट करेंगे, वो तो है ही, चाइना इज बेटर इन न्यूक्लियर, उसके पास तो हैकर ऐसे हैं, वो साइबर वॉरफेयर से गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर काम नहीं करेगा ये, अगर हम सोच रहे हैं टू रिवाइज एन एफ यू, है ना, टू डेटर चाइना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज चाइना है वन बेल्ट वन रैंक, वो सारा इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, दैट कैन बी टैकल्ड विद द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ इंडिया एज कम्पेयर टू यूजिंग अ न्यूक्लियर पावर। अब हम मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, दैट एंटी सैटेलाइट, वो तो 1960s-70s में ख़त्म हो गई बाकी कंट्री की, वो तो अब यूज़ ही नहीं करते, अब इंडिया ने यूज़ की, डेब्रिस क्रिएट हुआ। अब चाइना तो इसके आगे चार ऑप्शन बेटर ऑप्शन वो भी एक्सप्लोर कर दिए, दैट लेज़र, यूज़ ऑफ लेज़र, दैट मैनुअलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट, ऑर्बिटल वॉरफेयर, ऑर्बिटल में जाके वो चेंज करता है विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, किसी को पता भी नहीं चलेगा कब सैटेलाइट बंद होगा। देन इट ऑल्सो है ऑप्शन ऑफ साइबर वॉरफेयर। तो इंडिया अगर वो, अगर सपोज इंडिया और चाइना की वॉर होती है, हमने मिशन शक्ति किस लिए बनाया, सो दैट वी कैन डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर सैटेलाइट ऑफ अदर कंट्री, ऐसे ही है, आपने ऐसे ही पढ़ा, बट ये यूज़ नहीं होगा, ये पॉलिटिकल स्टंट ही है। यूज़ क्यों नहीं होगा, बिकॉज इंडिया विल बी क्रिटिसाइज बाय अदर कंट्रीज। अगर इंडिया ने सपोज करो चाइना का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर दिया, चाइना को पता चल जाएगा, है ना। सेकेंड इज क्रिटिसिज्म होगा दूसरी कंट्री से ड्यू टू डेब्रिस जनरेशन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। उसके अलावा ऑप्शन कौन से हैं, लेजर ऑप्शन इज देयर, देन ऑर्बिटल में वॉरफेयर का ऑप्शन है, वहाँ पर एक सैटेलाइट ऑर्बिट चेंज करेगा और वो उसकी जो सैटेलाइट की आर्म को, उसमें से आर्म निकलेंगे, वो सैटेलाइट को मैनिपुलेट करेगा और अपने ऑर्बिट में चला जाएगा, ये भी टेस्ट हो चुका है। देन दिस साइबर वॉरफेयर का ऑप्शन है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया की वॉर होती है, ये तीन ऑप्शन पाकिस्तान, सॉरी चाइना, तो चाइना के पास तीन ऑप्शन हैं पहले, ओनली देन इट विल यूज़ एंटी सैटेलाइट, क्योंकि एंटी सैटेलाइट यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं। एक तो डेब्रिस क्रिएट होंगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपकी बेइज्जती होगी, सेकेंड दूसरी कंट्री को तो पता चल जाएगा, तो वो तो हमारा जो न्यूज़पेपर भरती है वो है नहीं, एक डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का 60-70 पेज का होगा इंटरनेट पर, उसमें सारा ये पूरा ए टू जेड लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूस स्पेस फॉर, इट रिड्यूस स्पेस फॉर कन्वेंशनल वॉरफेयर, है ना, मैंने बताया अभी दैट कन्वेंशनल वॉरफेयर पर फोकस हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।
Next point, some report says Pakistan have more nuclear weapon, but those figures are hypothetical. So merely based on these reports, we cannot change our NFV. ठीक है? Last point लिख लो. Such step can abrogate India's commitment to universal goal of nuclear disarmament. India का goal है ना? That's why India is not joining NPT, CTBT. Nuclear disarmament. क्या नहीं समझे? रिपीट करूं, कमिटमेंट टू यूनिवर्सल गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. इंडिया क्या चाहता है? दैट नो कंट्री शुड हैव अ न्यूक्लियर.